हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। आज हम प्रेपोजिशंस की काइंड्स यानी कि इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे कि किस किस तरह की प्रेपोजिशंस होती हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, सबसे पहले प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वैसे ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है जो कि मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था, आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। देखिए, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस होती हैं अंडर, इन, अबव, बिलो, एट, टूवर्ड्स एंड अक्रॉस। ये सभी की सभी एग्जाम्पल्स हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की, इसके अलावा और भी होती हैं। अब हम देखते हैं नंबर टू, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। तो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम कौन कौन सी होती हैं, इसके भी एग्जांपल्स मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी प्रेपोजिशंस हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि होती हैं विद इन, अनटिल, सिंस, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, टिल, बिहाइंड, एट, एट्सेट्रा। तो ये सभी की सभी प्रेपोजिशंस जो हैं वो हमें टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। जो दो नाउन्स या प्रोनाउन्स होते हैं सेंटेंस में, उनका आपस में रिलेशन किसके बारे में होता है या वो टाइम के लिए होता है, तो हम वहाँ पर प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। जैसे कि अब आप यह कह सकते हो कि आई वॉज बॉर्न इन 1980, ठीक है, तो ये एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ मेथड एंड एजेंसी। तो प्रेपोजिशंस ऑफ मेथड एंड एजेंसी का मीनिंग क्या है? एजेंसी का मीनिंग है यहाँ पर कि कोई चीज़ हम किसी चीज़ के थ्रू करते हैं या उसके साथ करते हैं, उस चीज़ को यूज़ करते हैं वो काम करने के लिए। जैसे आप कहते हो विद, बाय एंड थ्रू, ये एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आप कहते हो कि आई कट द एप्पल विद अ नाइफ, तो यहाँ पर विद जो है वो एजेंसी के लिए आप यूज़ करते हो कि किसके किसके साथ आपने एप्पल को काटा, नाइफ के साथ, ओके, चाकू के साथ, इसलिए आपने यहाँ पर विद यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर। तो कौन कौन सी प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर होती हैं? मैनर का मीनिंग होता है कि आप कैसे काम करते हो। विद एंड बाय जो है वो प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर भी होती हैं। जैसे कि आप कह सकते हो आई फॉट विद करेज, यहाँ पर विद करेज यानी कि आप मैनर बता रहे हो कि किस तरह से आपने लड़ा, ठीक है। मैनर का मीनिंग होता है कि किस तरह से आपने वो काम किया। करेज का मीनिंग होता है हिम्मत। तो अब हम देखते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ पर्पस, कॉज एंड रीज़न क्या होते हैं। कॉज का मीनिंग होता है कारण, रीज़न का मीनिंग भी वही होता है, और पर्पस का मतलब होता है कि आप किस लिए वो काम कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स हैं फॉर, फ्रॉम, ऑफ, थ्रू, ठीक है। देखिए, फॉर का मीनिंग वही होता है कि पर्पस के लिए आप यूज़ करते हो, फ्रॉम, ऑफ का मीनिंग होता है कि आप किसी कॉज या रीज़न के लिए, ओके, और थ्रू यानी किसके ज़रिए आप वो काम कर रहे हो। नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ आपके पास है तो आप उसके लिए विद या ऑफ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पोजेशन मीन्स जब आप कोई चीज़ है आपके पास तो आप उसके लिए विद या ऑफ यूज़ करते हो। प्रेपोजिशंस ऑफ मेजरमेंट, रेट एंड वैल्यू। तो कौन कौन सी प्रेपोजिशंस होती हैं जिससे हमें मेजरमेंट यानी कि नापना, ठीक है, किसी का नाप लेते हो। रेट एंड वैल्यू, इसके लिए हम बाय या एट यूज़ कर सकते हैं। ये सभी एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी हो सकती हैं प्रेपोजिशंस, ओके। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस ऑफ ओरिजिन। प्रेपोजिशंस ऑफ ओरिजिन होती हैं, इसकी एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आप कह सकते हो कि फ्रॉम है इसकी एग्जाम्पल, ओके। कोई चीज़ कहीं से ओरिजिन हुई, ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्ट होना या वहाँ से बनना, तो वहाँ पर आप फ्रॉम यूज़ कर सकते हो। इन सभी प्रेपोजिशंस के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियोस बनाऊँगी, सभी डिटेल में मैं आपको समझाऊँगी। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, विच प्रेपोजिशंस आर यूज टू इंडिकेट रिलेशन ऑफ टाइम। तो कौन कौन सी प्रेपोजिशंस होती हैं जो कि हम टाइम के रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसके इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है, अगर आपको याद है। अगर आपको नहीं याद है तो आप वीडियो को पीछे भी कर सकते हो, ठीक है, और देख सकते हो कि कौन सी प्रेपोजिशंस होती हैं कि जो कि हमें टाइम के रिलेशन को बताती हैं। तो आई होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपको पता चल गया है कि काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस क्या क्या होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।